बार फिर आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आतुर हैं और बड़ा उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है। आस्था जो है वो भी चरम पर है। हमारी सभी की गुंजन लगातार बनी हुई है बद्रीनाथ धाम में, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। गुंजन, अभी हम भोग का जिक्र कर रहे थे कि भोग प्रसाद का वक्त जो है वो अब कुछ देर में शुरू होने वाला है, जैसा कि आपने बताया करीब एक घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, विधि विधान के साथ भोग अर्पित किया जाएगा। और दिन भर क्या कुछ अनुष्ठान और कैसे होता है ये पूरा प्रक्रिया भोग की? बिल्कुल गुंजन, उत्साह जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, अलग अलग लोक कलाकार जो है वो भी पहुंचे हैं और अपनी अपनी यहाँ पर तस्वीर आप देखिए, अपना अपनी कला जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। गुंजन, एक अहम सवाल इस बात को लेकर भी कि लगातार तादाद जो है श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, भोग प्रसाद उज्जैन महाकाल नगरी काल से आए हैं, कुछ गाथा बताएंगे हमारे नारायण के दरबार पर। अरे बिल्कुल, आप हाथ में मृदंग लिए थे तो इसलिए मुझे लगा शिव की नगरी से आए हैं, नारायण का सुना दीजिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। श्रीमन नारायण नारायण अच्छा गुंजन, और उत्साह इनका, जोश और आस्था जो है वो अपने आप में चरम पर है, सबसे ऊपर नजर आ रही है। आचार्य जेपी सिंह जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम का कितना महत्व है, क्या भूमिका, और कितना ज्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं बद्री बाबा के दरबार में जाकर? देखिए, सर्वाधिक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों समीप हैं और दोनों की महिमा इसी तरह से बढ़ जाती है कि शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं और विष्णु के हृदय में शिव वास करते हैं। तो जब आप इन चार धाम की यात्रा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी महत्ता तब बढ़ जाती है जब आप इन दोनों धामों का एक साथ दर्शन करते हैं, साथ में यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन करके ये चार धाम यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, श्री नारायण के चार धाम और जो विशेषतः माने जाते हैं वहाँ की महत्ता अलग है,
पर वह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति आसानी से कर पाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का उसमें एक चक्कर लग जाता है और वो एक समय में करना सबके लिए आसान नहीं है। तो इसलिए इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ पर आप ये चारों धाम नज़दीक हैं और करके आप आसानी से इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए प्रगाढ़ता श्रद्धा की कि 6 डिग्री टेम्परेचर है इस समय और नंगे पैर वहाँ खड़े होकर लाइन में खड़े हैं 6-6 घंटे से और वो व्यक्ति वहाँ दर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा है और इस भारत की तपोभूमि में ये देखने को मिलता है, आप बाहर कहीं नहीं ऐसा देख पाएंगे। तो इसलिए ये महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि श्री हरि के दर्शन करने वाले यहाँ शिव को भी ध्यान कर रहे हैं और शिव का ध्यान करने वाले श्री हरि का भी ध्यान कर रहे हैं और दोनों के ध्यानस्थ अवस्था में वह अपने आप को मोक्ष पद की तरफ ले चलते हैं। कारण क्योंकि कहा गया ना कि जहाँ जो जाए बद्री फिर ना आए उदरी, तो इसलिए यहाँ बद्री विशाल के दर्शन करने वाले इस समय में, क्योंकि 6 महीने ये शयन में रहते हैं और 6 महीने दर्शन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो सुलभ दर्शन इस समय हो रहे हैं जब कपाट खुले हैं, तो निश्चित तौर पर अहोभाग्य हैं जो इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ आज के दिन हम जो टीवी के माध्यम से भी दर्शन कर रहे हैं और अगर हम घर बैठकर भी इसका दर्शन करने के साथ सिमरण कर लेते हैं, जैसे आचार्य श्री ने भी कहा कि अगर हम ओम नमो नारायण का मंत्र जाप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन वचन कर्म से हम वहां पर जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, मोक्ष प्राप्त हम ऐसे कर सकते हैं। संजय शर्मा जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे नर पर्वत और नारायण पर्वत का, बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित है, क्या व्याख्या है शास्त्रों में उनकी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखो, नर और नारायण जो पर्वत है, नर जो है अर्जुन के रूप में है और नारायण जो पर्वत है भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में है, तो उनका जो स्वरूप है एक के सामने दूसरा पर्वत है, जिन्होंने अगले जन्मों में जो है नर और नारायण का रूप लिया और वहाँ पर अगर आप जाकर के नर और नारायण पर्वत के दर्शन कर लेते हैं और अपने पितरों के लिए तर्पण, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म कपाल जो स्थान है उस स्थान पर जाकर के कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जो है और जो है पांडवों ने जो है वहीं पर जो है ब्रह्म कपाल पर ही पितरों का तर्पण किया था, उस स्थान पर अगर जाकर के आप तर्पण करते हैं तो आपके जो भी पूर्वज हैं उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो भी बंधन में मुक्त है पितृ दोष आपका जो है शांत हो जाता है, क्योंकि पितरों के दोष को हरने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं जो है पितृ दोष के कारण भी आ जाती हैं और हम नाना प्रकार की उलझनों में उलझे रहते हैं, तो उस वो एक ऐसा स्थान है, वहां पर जाएं और दर्शन करें और पितरों का तर्पण भी आप जा करके करें, उससे विशेष लाभ जीवन के अंदर मिल जाता है। और आज का विशेष दिन भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का दिन है और आप भगवान शिव का दिन भी है, तो आज के दिन अगर आप पूर्ण मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है भगवान का ध्यान करें और विष्णु के मंत्रों का, जैसे कि पंडित जी ने भी बताया, विष्णु मंत्र का जो है जाप करें और ये वाला मंत्र भी आप बोलें भगवान शिव और विष्णु का, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम विष्णो रराटमसि विष्णो सूर्यस विष्णो धूर्ववसि वैष्णवमसि विष्णवीत्वाह शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे भवविष्णुहरं सर्वलोकैकनाथकं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले कौसध्वम नासागरे वरमोकितम करतल वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान का जो है ध्यान करें, सुमरण करें और एक श्रद्धा और विश्वास करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भगवान विष्णु की आराधना करें। और जो लोग दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए हैं, यहीं से आप अपने टीवी के माध्यम से जो है आज के दिन दर्शन करें, जिससे और उनको प्रसाद और भोग अपने घर के मंदिर में लगा करके और वहां का ध्यान करके
जो है प्रसाद अर्पित करें। और भगवान विष्णु का जो भोग है, आपको मालूम है कि पंचा अमृत का भोग भगवान विष्णु को लगता है, उसमें दूध दही शहद गंगाजल पंचामृत और तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास तुलसी पहले से विद्यमान है, आज जो है रविवार का दिन है तो तुलसी को ना तोड़ें, पहले से तुलसी विराजमान है तो उसको रख करके और भोग लगाएं। और पंजीरी का भोग जो है वो विशेष करके हमारे शास्त्रों में जो है भगवान विष्णु को दिया जाता है। और कदली अर्थात केला, पक्के केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, ये सारा प्रसाद जो है भगवान को अर्पित किया जाता है। और पंच तत्व जो है हमारे जीवन में जो है विशेष महत्व रखते हैं, और पंचा अमृत का जो भोग भगवान विष्णु को दिया जाए तो उससे आपके जीवन के सभी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इस तरह से हम भगवान विष्णु को, भगवान बद्रीनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गुंजन दीक्षित तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, आचार्य जेपी सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखा आपने बाबा के कपाट खुलने के बाद भक्तों में उत्साह और लगातार बढ़ते जा रहा है, तादाद भी लगातार बढ़ते जा रही है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे बाबा के दरबार से जुड़ी, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।